हमें आदित्य योगी नाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन बात सुनो सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से। मौलाना तौकीर रजा एक जलसे में कह रहे हैं कि मुझे मोदी और योगी पहले नापसंद थे, लेकिन अब मोदी से ज्यादा मुझे योगी पसंद है। क्या हो गया है मौलाना तौकीर रजा को जो इस तरह से बयान कर रहे हैं कि मुझे योगी पहले ना पसंद थे लेकिन अब पसंद है। ये पूरी जानकारी जो है ना वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं कि मौलाना तौकीर रजा कहना क्या चाह रहे हैं। अरे भाई कहना क्या चाह रहे हैं, तो चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। आइए देखते हैं। हमें आदित्य योगी नाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन बात सुनो सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, लेकिन पिछले दिनों कई वाकयात ऐसे हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि वो राज धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बुराई की बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छाई की अच्छाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नाइंसाफी वाले लोग नहीं है। बरेली के कर्मचारी नगर का वाकया आपको याद होगा। एक ने अपनी रिश्तेदार 6-7 साल की बच्ची का रेप किया और उसे मरा समझ लिया और फिर उसने हंगामा शुरू किया कि मुसलमानों ने बच्ची का रेप करके मार डाला। ये तो बरेली के प्रशासन की ऐसी सूझबूझ जिसने उसे बेनकाब किया, खुद ही रेप किया था, खुद ही शोर मचा रहा था और दंगा कराने का माहौल उसने पूरा बना दिया था, लेकिन जिला पुलिस ने उसको बेनकाब करके जेल भेजने का काम किया। हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब अमन का और इंसान का काम होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेईमानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, ना हम बेईमान हैं, ना बेईमानी हम पसंद करते हैं। अब एक बात और समझ लो, अगरचे मौसम भी ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूँ कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था। ये जुमे से डर गए हैं, इन्हें ये बताना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि उलामा ने मुस्तफा के लिए कोई जुमा नहीं, कोई इतवार नहीं। हम हर दिन गुलाम हैं, हर वक्त गुलाम हैं। तो जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम मांग नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बनाते जाएंगे। रांची की उस माँ का आपने, रांची की वो माँ याद है जिसका बच्चा 15 साल का बच्चा मार डाला गया, और किसने मारा?
जिसकी जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की उसने बाहर डाला है। अगर तुम्हारी गोलियों में गोलियां अगर हिंदू और मुसलमान देख के चलेंगी, बेईमानी और ईमानदारी देख के गोली चलाओ, चोर कौन है और शाह कौन है ये देखकर गोली चलाओ। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं, अगली पथ। अरे जब तूने नाम अगली पथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अखला देखो कहां से लेके आए हैं अगली पथ। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूँ जो इस अगली पथ चार साल की बेगारी इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं मैं उन लोगों की हिमायत करता हूँ। और इस अगली पथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उस औरत को याद करो मेरे भाइयों, मैं रोया हूं उस औरत के। इकलौता बेटा और फिर वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम पर कुर्बान हुआ है, मोहम्मद की शान पर कुर्बान हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। आज हम तमाम लोग उस 15 साल के बच्चे की माँ को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए। बात काफी तवील हो गई, इसलिए बात करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जज्बाती आदमी हूँ, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है। और हम जो दिल में कुछ और हो जबान पे कुछ और हो ये हमसे हो नहीं पाता है। ए भाई बैठ जाओ यार, लोगों को परेशानी हो रही है, ये अब खत्म कर रहा है। तो आप तमाम लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि रसूल की अजमत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हो, रसूल के नाम पर जान देने का जज्बा तुम्हारे दिलों में है।